नमस्कार किसान भाइयों, अभी तक हमने गेहूं की प्राइमरी स्टेज यानी कि बुआई से लेकर 70 दिन तक हमें अपनी फसल में क्या करना है, जैसे कि टलरिंग को कैसे बढ़ाएं, गेहूं की फसल में ज़्यादा कलियों का निर्माण कैसे करें, गेहूं में अगर किसी कारण से पीलापन आ गया है तो उस पीलेपन को दूर कैसे करें, गेहूं की फसल में अगर किसी भी प्रकार के खरपतवार मौजूद हैं तो उन खरपतवार को कैसे साफ़ करें, गेहूं की फसल में अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो उस रुकी हुई ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, ये सभी प्रकार की सारी जानकारियां हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे चुके हैं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं गेहूं की सेकेंडरी स्टेज यानी कि 70 से 100 दिन के बीच में हमें अपनी गेहूं की फसल में क्या कुछ करना है। ये जो स्टेज है इसमें किसान भाई फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं अब जो हमारी फसल है वो शानदार ग्रोथ कर रही है और हमारी जो फसल है उसका कलर भी डार्क ग्रीन एकदम चल रहा है, तो अब हमारी फसल को कुछ नहीं करना है और हमारी फसल अब बेहतर अच्छा उत्पादन देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारी गेहूं की फसल में जितनी भी स्टेजें हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और फाइनल स्टेज, जो 100 दिन के बाद जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां पकना स्टार्ट हो जाती हैं, किसान भाइयों हमें गेहूं की तीनों स्टेज में अपनी फसल की देखभाल करना है, तभी दोस्तों हम अपनी गेहूँ की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की सेकेंडरी स्टेज में हमें अपनी फसल में क्या सावधानियां करना है और क्या देखभाल अपनी फसल ही करना है। दोस्तों बने रहें इस वीडियो में, आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल होती है 70 दिन के बाद हमारी फसल में फ्लैग लीफ का निर्माण हो जाता है। जो हमारी फसल है उसमें फ्लैग लीफ हमको नज़र आने लगती हैं। अभी जो आप फसल देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे 70 दिन की फसल हो चुकी है और आप जो देख रहे हैं ये फ्लैग लीफ मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये जो फ्लैग लीफ दोस्तों किसको कहते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं जहां से मैंने पकड़ा हुआ है उसके नीचे दोस्तों हमारी बाली का निर्माण होता है और बाली जहां पे जो बाली का ऊपरी सिरा होता है वहां से एक जो पत्ती निकलती है दोस्तों झंडे की तरह ऊपर को पत्ती जाती है, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं फ्लैग लीफ। दोस्तों फ्लैग लीफ का हमारी फसल में क्या महत्व है और जब हमारी फसल में फ्लैग लीफ निकलती है उस समय हमको कौन से खाद व उर्वरक अपनी फसल को देना है। दोस्तों हमारी जो फसल होती है जब वो फ्लैग लीफ उसमें निकलती है और बाली का निर्माण पत्ती के अंदर ढका हुआ बाली का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों हमारी जो फ्लैग लीफ है वो उस बाली के लिए भोजन बनाने का काम करती है और हमारे पौधे को देती है और हमारा पौधा बाली तक भोजन को पहुंचाता है ताकि हमारी बाली जो है उसमें दाना बन सके और बाली का निर्माण अच्छा हो सके। तो दोस्तों हमारी जो फ्लैग लीफ होती है पौधे की, वो जितनी ज़्यादा चौड़ी फ्लैग लीफ होगी हमारी और जितना ज़्यादा उसका हरा कलर होगा दोस्तों उतना ही अच्छा और ज़्यादा भोजन हमारी फ्लैग लीफ बना करके देगी हमारे पौधे को और उतना ही अच्छा भोजन हमारी बाली को मिलेगा, तो हमारी बाली में अच्छे स्वस्थ और भारी दानों का निर्माण होगा। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है जिससे हमारी फ्लैग लीफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी हो जाए और हमारी फ्लैग लीफ का कलर एकदम डार्क ग्रीन रहे। तो दोस्तों इस समय हमको जब फ्लैग लीफ का निर्माण स्टार्ट हो जाता है किसान भाइयों, इस समय हमें NPK 0-52-34 और साथ में चिलेटेड जिंक 21% इन दोनों का घोल बनाकर अपनी फसल में करना है। दोस्तों NPK 0-52-34 हमको 1 किलो लेना है और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक हमको लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर एक स्प्रे अपनी फसल में कर देना है। इससे दोस्तों हमारी जो फ्लैग लीफ है उसकी चौड़ाई बढ़ती है दोस्तों और हमारी जो फसल है उसमें डार्क ग्रीन रन हो जाएगा, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा हमारी फसल में बढ़ जाएगी। और दोस्तों जब क्लोरोफिल की अच्छी मात्रा होती है, जब फसल हमारी डार्क ग्रीन होती है तो उतना ही अच्छा वो प्रकाश द्वारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा अच्छा भोजन बना पाती है। किसान भाइयों अभी जो आप फसल देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो हमारी गेहूं की फसल है उससे बाली हमारी पत्तियों से बाहर आ चुकी हैं और किसी पौधे में पूरी बाली बाहर आ गई है और किसी पौधे में अभी आधी बाली आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 80 से 85 दिन के बीच में दोस्तों पौधे से हमारी बाली बाहर दिखने लगती है। दोस्तों इस अवस्था में हमको कौन से खाद व उर्वरक अपनी फसल में देना है, तो दोस्तों इस समय अगर हम अपनी फसल में न्यूट्रोजन नाम का जो टॉनिक आता है दोस्तों क्रिस्टल क्रॉप कंपनी की तरफ से, दोस्तों अगर इस समय उस टॉनिक का स्प्रे हम अपनी फसल में करते हैं तो दोस्तों हमारी जो बाली है दोस्तों उसमें नीचे से ऊपर तक पूरे दाने भरते हैं, दोस्तों बाली हमारी खाली नहीं रहती और बाली की हमारी जो लंबाई है वो लंबाई भी बढ़ जाती है। दोस्तों जो न्यूट्रोजन नाम का टॉनिक है उसमें
22 एलिमेंट्स मौजूद हैं और साथ में प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स मौजूद हैं। दोस्तों इस समय हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर हम न्यूट्रोजन का एक स्प्रे अपनी फसल में इस अवस्था में करते हैं जब बालियों का निर्माण स्टार्ट हो रहा होता है, जब बालियों में अंदर दाने भरना स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो दोस्तों हमारा जो दाना है उसका उनमें वजन बढ़ जाता है, दाना हमारा मोटा हो जाता है, दाना हमारा चमकदार है। किसान भाइयों अगर आपके 1000 गेहूं के दानों का वजन 40 ग्राम हो रहा है और दोस्तों अगर आप न्यूट्रोजन जो टॉनिक है उसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में बालियों के निर्माण के दानों के भराव के समय करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर 45 से 50 ग्राम तक आपके 1000 दानों का वजन हो सकता है, यानी कि 5 से 10 ग्राम तक दोस्तों आपके दानों का वजन बढ़ सकता है। तो दोस्तों जब इस समय दानों के भराव के समय हम ये न्यूट्रोजन नाम की टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो दोस्तों उससे हमारे दानों में वजन पैदा होता है और हमारा जो उत्पादन है वो उत्पादन भी हमारा बढ़ जाता है। तो दोस्तों एक बार न्यूट्रोजन नाम के टॉनिक का स्प्रे आप इस अवस्था में करें और उसके बाद आप लोगों को शानदार रिजल्ट मिलेंगे देखने को। किसान भाइयों 300 से 400 ml न्यूट्रोजन स्प्रे हमको 150 लीटर पानी में घोलना है और 1 एकड़ फसल में स्प्रे करना है। दोस्तों अगर आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, हमारा ये वीडियो आपके काम का हो अगर दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि सभी किसान भाइयों को जानकारी हो सके और वो भी अपनी फसलों में अच्छा उत्पादन ले सकें। धन्यवाद।